ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में भी हम माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं अपने एशियन क्राफ्ट सर्वर पे। एंड आज की वीडियो में हम कुछ ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो तीन चार काम करेंगे हम एक साथ। तीन चार नहीं, दो ही काम करेंगे, तीन चार ज़्यादा हो गए। तो ये मैंने इसलिए लगा रखे है सो दैट मैं ऊपर नीचे जा सकूँ। लाइक मुझे याद नहीं आता यहाँ पे पानी क्यों नहीं है, फिर मुझे याद आया वाटर सोर्स बनाने के लिए मैंने ऐसा पानी ले लिया था, दोबारा लगाया ही नहीं। तो मेरा जो ये रास्ता, मैं इसको पूरा रिमूव करने वाला हूँ। लाइक ये अच्छा नहीं लगता था। लाइक कोई मेरे बेस पे भी आता था, वो भी पूछता था कि एग्ज़िट कहाँ है तेरे रवीन सा, तो वो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। तो यहाँ पे हम अपनी एक वाटर एलिवेटेड लिफ्ट बनाएंगे। मतलब नॉर्मल है, नहीं होगी वो, एक वेल मतलब अच्छे से बनी होगी। तो वो मैंने एक बार अपनी क्रिएटिव में बनाया, अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में। तो एक बार मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ उसका डिज़ाइन, एंड देन फिर मैं अपने सर्वर में डायरेक्टली उसे बना दूँगा। तो या एक बार चलते, मैं ऊपर का ब्लॉक तोड़ लूँ एंड देन फिर चलते अपने सॉरी सर्वर में नहीं, क्रिएटिव वर्ल्ड में। तो ये हम आ चुके हैं। सॉरी, मैंने रात का ध्यान नहीं दिया कि रात हो रखी है, दिन कर लो रिकॉर्डिंग के टाइम। तो ये हमारी बेसिकली लिफ्ट टाइप, कुछ भी कह लो इसे, वाटर एलिवेटर। तो ये कुछ इस प्रकार काम करेगा। वहाँ से लीवर खींचो तो वेट अ मिनट, ओह सॉरी लो वेट अ मिनट। तो यहाँ पे पहले सोल सैंड लगाते हैं। तो अभी जाते हैं अंदर, एंड ये हमें अपने पहले फ्लोर पे छोड़ेगा। एंड देन अगर हम ये लीवर बंद करके इसको लाइक ऑन करें, तो जब अगर उसके बाद घुसेंगे तो ये हमें सेकंड फ्लोर पे छोड़ेगा। और अगर हम लाइक ये दूसरा भी लीवर बंद करें, लाइक तीसरे को मैंने कनेक्शन नहीं दे रखी, तो उसे ऑन करें या ऑफ तो मैटर नहीं करेगा। तो अगर हम तीसरे को ऑन करें तो ये हमें सीधा ऊपर ही फेंक देगा। तो ये इसका फंक्शनिंग कुछ इस प्रकार है। लाइक मैं दिखाना चाहूँ तो ये रेड स्टोन की पूरी टॉर्च लेके मैंने नॉर्मली जस्ट कर रखा है ऊपर, वो वहाँ पे स्टे के पिक्चर है, वो उसको लाइक कोबल स्टोन को पुश कर देता है कि वो आगे जाए, एंड वो टर वहीं पर रुक जाता है और हम उस फ्लोर पर उतर जाते हैं। तो ये हमारी लिफ्ट टाइप जो भी कह लो इसे। तो इसे मैं अपने सर्वर में बनाता हूँ एंड देन फिर बना के उसे डेकोरेट करके मिलते हैं। तो ये मैं कुछ आखिरी के चंद ब्लॉक लगा रहा था। तो ये हमारी लिफ्ट कुछ इस प्रकार दिख रही है। मैंने ऊपर तक पूरा डेकोरेट कर दिया, लाइक जैसे हमारा सेकंड फ्लोर है, मैं सेकंड फ्लोर के जितना भी ऊपर है वो मैंने डेकोरेट नहीं करा है, वो मे भी मैं बाद में करूँगा। बाद में तो मैं, पता है मेरा कैसा होता है मेरे मेन डेस की मेन रूम की फ्लोर छत अभी तक नहीं हुई तो समझ जाना वो कब होगी। तो ये मैं यहाँ पे कुछ आखिरी के चंद ब्लॉक लगाता हूँ, लाइक उछल उछल के, सो दैट वो थोड़ी अच्छी दिखे। तो ये कुछ इस मतलब काम ठीक से कर रहे हैं, मैंने ठीक से अंदर तक ब्लॉक रिप्लेस करे हैं सो दैट चीज़ अच्छी दिखे। तो ये मैंने लीवर दबाया, ये मुझे ऊपर सबसे ऊपर भेजेगी, एंड देन फिर ड्रॉप डाउन के लिए मैंने यहाँ से रास्ता दे रखा है। एंड देन अगर हम लीवर दबाएं तो ये हमें हमारे फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ेगी, सो दैट्स ए नाइस थिंग। तो ये हमारा इस प्रकार हमारी लिफ्ट बनती है। लाइक मुझे पता है मैंने बनाते हुए नहीं दिखाया, बट एक तरीका बता दिया कि मैंने ये कैसे काम करते हैं। लाइक उसकी पूरी रेड स्टोन टॉर्च की पूरी वो लेके गया हूँ, और ये मैं समझ नहीं पाता ये मेरे कितने मारे, बट ये अपने हैक्स लगा के, पबजी के हैक्स लगा के साला रखा है मेरे पानी में मारा मुझे शॉट में कि वेट अ मिनट, इतनी जल्दी तो मैं ड्राउंड भी नहीं हो सकता। मैं क्या, मुझे डैमेज कहाँ से पड़ा? फिर मैंने देखा, मैं क्या, वाह बहुत अच्छा। तो वहाँ पे भी लाइट सोर्स का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अभी हम अपने उस पर काम करते हैं, लाइक क्या कहते हैं, स्टोरेज रूम पे। तो मैं अपना एक एरिया डिग आउट करता हूँ जहाँ हम अपना स्टोरेज रूम बना सकते हैं, एंड देन फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो ये हमारी लिफ्ट बनने के बाद, लाइक वो ब्लॉक है पर मुझे पता है वो मैं बाद में लगाऊंगा हाफ हाफ स्लैब, एंड ये दो ऐसे अच्छे लग रहे हैं। तो ये है हमारा एरिया जो कि मैंने सोचा है हमारी स्टोरेज रूम का एरिया होगा। तो लाइक इतना बड़ा एरिया है हमारे पास, लाइक यहाँ पे ये दो ब्लॉक मैंने छोड़ रखे डिफरेंट लेयर में घुसने के लिए,
देन फिर ये 3 4 5 6 7, तो 7 ब्लॉक वाइड है, तो हमारी 7 चेस्ट ऐसे आ सकती है। सो 7 7 14 21 डबल चेस्ट आ सकती है। तो आई थिंक सो इतनी डबल चेस्ट इनफ होगी, आई थिंक सो। या इनफ होगी, और अगर ज़्यादा चाहिए होती है तो हम ऊपर भी लगा सकते हैं, नॉट एन इशू। बट आई थिंक सो 21 नहीं, कम नहीं पड़ेगी हमें। एंड ये बीच में हम एक गली छोड़ेंगे सो दैट एक एक चेस्ट हो सके। और अगर नहीं समझे तो 2 मिनट को मैं एक तरीके से समझाता हूँ। ये हमारा पहली वॉल, यहाँ पे हमारी पहली वॉल होगी, डर्ट पे हमारी चेस्ट होगी, ये हमारा वेट अ मिनट, शिट कोबलस्टोन लगाना चाहता था, वाटर बकेट टैब हो गया लो वोल, तो एक बार इसको भी फिक्स करना पड़ेगा हमें। रुको, एक बार कोबलस्टोन लगा देते हैं, एंड फिर ये हमारे यहाँ पे कोबलस्टोन जाएगा, एंड देन फिर यहाँ पे हमारी जाएगी दो चेस्ट, देन फिर ये हमारा एक और रास्ता जाएगा, एंड देन फिर ये यहाँ पे एक और चेस्ट। तो ये कुछ ऐसे लगेगी। तो मैं इसकी थोड़ी सी वॉल वगैरह थोड़ी डेकोरेट कर लूँ, एंड देन फिर मिलता है डेकोरेशन करे, सोचने में टाइम लगता है, तो एक बार मैं उनका डेकोरेशन पैटर्न सोच लूँ, देन फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो ये हम आ गए हैं वापस। तो ये है हमारा कुछ इस प्रकार लग रहा है हमारी वॉल। तो ये मैं इसका ये जो विंडो 4x4 का इसका पैटर्न सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लगा दें फेंसेस, बट फेंसेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने फेंस को रिप्लेस करके मैंने सोचा क्यों ना क्या कहते हैं अपनी लालटेन लगाई जाए। एंड लालटेन ने बहुत अच्छा काम करा, एज अ लाइट सोर्स भी एंड एज अ डेकोरेशन भी। तो एक बार मैं लालटेन लेके आ जाऊँ 2 मिनट, एंड ये हम लेके आ गए जादू। तो ये हमारे लालटेन कुछ इस प्रकार रखे जा रहे हैं, नीचे ये इससे कनेक्टेड लग तो रहे हैं शायद। तो ये पीछे के एरिया भी हम एक बार अपने किसी ब्लॉक से चेंज कर देते हैं सो दैट नाइस एंड वेल डेकोरेटेड लगे। ये पीछे स्टोन दिखते रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, रिटेलिंग पे काम करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि बस लगा दिया और छोड़ दिया, छोड़ो क्या है, किसे फ़र्क पड़ रहा है। तो डिटेलिंग में भी काम करेंगे हर बिल्ड में, एंड बताना मेरे बिल्ड कैसा। मैं अगर आलकस नहीं करूँगा तो ऊपर यहाँ पे आई आइकन डाल दूंगा ऊपर राइट हैंड साइड में टॉप साइड, तो बताना मेरे बिल्ड कैसा लगता है, डेकोरेशन कैसे लगती है। बिल्ड तो मेरा ऐसे ही होता है रवीन ले रखे मैंने, तो यार डेकोरेशन बताना कैसी होती है। तो ये कुछ इस प्रकार लग रहा है, पीछे का ब्लॉक भी हटा देते हैं, एंड अरे ये क्या हो गया, हटो ये पहले लालटेन रखते हैं एंड देन फिर बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो या मैं ये एक बार सारी वॉल पे लगाता हूँ, एंड देन फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही। तो ये मैं कुछ आखिरी की फेंसेस और लालटेन लगा रहा था, एंड या ये एरिया कुछ ऐसा दिख रहा है। हमें फ्लोर पे और रूफ छत पे भी काम करना पड़ेगा, ऊपर का क्या कहते हैं उसका, रूफ पे भी नहीं, समझ जाना यार, तो उस पे भी काम करना है हमें। तो क्या मैं एक बार अपना सामान लियो, इसे पूरा चेंज ही कर देता हूँ, सामान तो क्या ही लाऊंगा, तो एक बार मैं चेंज कर दूँ उसके बाद मिलते हैं 2 मिनट। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट बिकॉज मुझे ये मैं इतनी चीज़ें इसलिए काट रहा था बिकॉज मुझे लास्ट में शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट भी दिखानी है एक बार, दोबारा एक बार चमत्कार हुआ है, चमत्कार देखना आखिरी में क्या हुआ, तो आखिरी तक देखना वीडियो। मैंने वो बेसिकली वो दिखाने के लिए मैंने अपने सारे पार्ट स्किप करे हैं, जो जितनी भी मैं डेकोरेशन कर रहा हूँ ये सारे मैंने इसलिए स्किप करे हैं सो दैट वो चमत्कार दिखा सकूँ मैं। तो स्टे कनेक्टेड फॉर द लास्ट, क्या बोल रहा हूँ, लास्ट तक कनेक्टेड रहना, देखते रहना। तो ये मैं पूरा पैटर्न बनाता हूँ, ये हमारे स्मूथ स्टोन स्लैब की, मुझे मैंने नाम अभी देखना पड़ा वॉइस ओवर के टाइम, मुझे नाम याद नहीं था लोल। तो मैं इसको एक बार ये यहाँ से भी रिमूव कर दूँ, एंड देन फिर यहाँ पे स्लैब लगाते हैं, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है तो यह ऐसे करते हैं, एंड देन फिर यहाँ पे वुड स्लैब है हमारे पास, यप है, तो एक बार इनको भी रिप्लेस कर देते हैं कुछ इस प्रकार, ऐसे ऐसे, एंड देन फिर ये उठाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये कुछ अब ठीक लग रहा है, एंड ये हमारा इंटीरियर। तो अभी छत पे भी काम करना पड़ेगा हमें, तो एक बार 2 मिनट।
जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता रहा हूँ, मैं एक बार अपनी रूफ भी डेकोरेट कर लेता हूँ, देन फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये हमारी कुछ इस प्रकार लग रही है, कुछ लास्ट के ये ग्लो स्टोन लगा देता हूँ मैं, एंड देन फिर लाइक मैं चीज़ों के नाम भूल जाता हूँ, मुझे सोचना पड़ता है क्या था क्या था। तो एक बार मैं चेस्ट से ग्लो स्टोन लेके आ जाऊँ, एंड देन फिर अपने चलते हैं, लास्ट के कुछ ब्लॉक लगाते हैं, एंड उसके बाद मुझे चेस्ट लगानी पड़ेगी। एंड चेस्ट के लिए मेरे पास वुड की तो कमी नहीं है, लाइक मेरी ही वुड शॉप और मेरे पास ही कमी हो गई। लाइक तुम तो वही बात कर रहे हो, अंबानी के पास नेट की कमी है। लोल। तो नीचे लगाते हैं अपनी सारी चेस्ट, जाके अपनी चेस्ट बनाते हैं। चेस्ट बनाने के लिए मुझे पहले अपनी इन्वेंटरी खाली करनी पड़ेगी, तो अभी के लिए इसमें गिर देता अपना सारा सामान, नहीं तो अभी तो अभी अपनी स्टोरेज रूम बनी जाएगा, उसमें पता नहीं मैं अपनी चीज़ें कब धरूंगा। एक मैनेज तरीके में मुझे नहीं पता कितने दिन लगने वाले हैं उसमें। लाइक मैं ऐसे नहीं करूँगा कि एक पर्टिकुलर बैठ के सारा सामान शिफ्ट करूँगा, इतने 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 मतलब टाइम नहीं है हमारे पास। तो एक काम करेंगे, वहाँ से एक एक करके, जैसे हमें कोबल स्टोन का काम पड़ा, स्टोन का काम पड़ा, जिस जिस चीज़ का काम पड़ता रहेगा, जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो उनको वहाँ पे रखते जाएंगे, सो दैट लाइक ज़्यादा वो ना पड़े, बर्डन ना पड़े सारा एक ही बार में करने में। तो ये मैं थोड़ी चेस्ट बनाता हूँ। देखो मेरे पास रेड स्टोन, अभी रेड स्टोन टॉर्च अभी भी पड़ी है, तो लाइक मतलब टाइम लगा था मुझे वो सोचने में, वो डिज़ाइन सोचने में कि ये लाइक ब्लॉक कैसे करूँ उसे, वाटर को, उस लिफ्ट को। तो वो सोचने में मुझे लिटरली टाइम लग गया था, बहुत टाइम लग गया था मेरा, लाइक दिन के आधा एक घंटा लग गया था मुझे वो डिसाइड करने में, बिकॉज मैं रेड स्टोन के साथ बहुत बहुत नूब हूँ, मुझे रेड स्टोन के साथ काम करना नहीं आता। लाइक डेकोरेशन जितनी मेरी अच्छी है ना, उतना ही बेकार मैं रेड स्टोन में। तो लाइक मैं अगर कोई फार्म भी बनाता हूँ, वो भी मुझे पूरे ट्यूटोरियल देख के बनाने पड़ते हैं, तो और मैं किलिंग भी नहीं करता, मैं बड़ा वो आलके सी, कौन उन किलिंग कॉपी करे, कौन डिस्क्रिप्शन में ऐड करे, मैं बहुत आलके सी हूँ, मैं नहीं करता। तो ये मेरे पास थोड़ी चेस्ट कम पड़ गई थी, तो एक बार जाके चेस्ट लेके आता हूँ। लाइक वुड थी हमारे पास, वुड को एक बार उसमें कन्वर्ट करके प्लैंक में, एंड देन फिर प्लैंक से अपनी चेस्ट बनाता हूँ। तो और अच्छी बात है जो हमारे मेरे बैकग्राउंड में कुत्ते नहीं भौंक रहे, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन नहीं तो मुझे बार बार रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ती, वो इतना सेशन डिलीट करना पड़ता, एंड देन फिर मुझे दोबारा से वो चीज़ वो पोर्शन रिकॉर्ड करना पड़ता था। बट अच्छी बात है भौंक नहीं रहा। या लाइक दिन में रिकॉर्ड वॉइस ओवर करूँ तो घर वाले शांति नहीं लेने देते हैं, और अगर रात को रिकॉर्ड करूँ तो कुत्ते शांति नहीं लेने देते हैं। तो या मैं मतलब वॉइस ओवर करनी तो मुश्किल होती है। तो ये मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा चेस्ट बन गई थी, तो मैं इनको ऐसे ऊपर लगा देता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो मुझे इनकी कभी ज़रूरत पड़ेगी। लाइक नीचे इतनी ही चेस्ट बतेरी है हमारे लिए। तो अभी है हमारा ये, मेरे ख्याल से तो पूरा डेकोरेटेड हो चुका है, इससे ज़्यादा हम करने भी नहीं वाले। तो अभी चलते हैं हम अपने शॉपिंग एरिया में, लाइक अपनी थोड़ी इन्वेंट्री देख के, खैर इन्वेंट्री तो क्या देख के, थोड़ा फूड चाहिए मुझे। तो एक बार मैं अपनी सारी चेस्टों में एक बार अपना फूड देख लूँ, क्यूब्रेड अपनी शॉप तो खोलेगा नहीं लाइक फूड के लिए, तो हमें अपना सारी चेस्ट ही चेक करनी पड़ेगी कि फूड है कि नहीं। तो एक बार अपना फूड सोर्स उठाते हैं, एंड देन फिर चलते हैं यहाँ से शॉपिंग एरिया की तरफ। तो एक बार मैं अपनी सारी चेस्ट चेक कर लूँ कि मेरे पास फूड का है, एंड ये ऊपर डक हमारी जो उसने बनाई थी आरजे ने, थैंक यू आरजे। तो ये चलते हैं अपने पोर्टल में, एंड ये अपने थोड़े सस्ते हैक लगा के हम आ गए हैं अपनी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये थोड़े देखते हैं किसी ने कुछ चेंजेस करे कि नहीं, ये क्रिश की शॉप जैसे कि कल मैं दिखाई रहा था, तो या इसने एक और वॉल ऐड कर ली, दैट्स अ नाइस थिंग। लाइक ये अभी मेरे बेस पे खड़ा होके कर रहा था अपनी, लाइक ये पाउडर को कंक्रीट में बदल रहा था। तो और वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये डायमंड तो ऐड नहीं हुआ है, डायमंड छोड़ो, ये मुझे क्या देखने को मिला, जस्ट अ मिनट, कि एरिया क्यूब्रेड ने ले रखा था राइट। तो क्या फाइनली उसकी शॉप बन चुकी है लिटरली? ओ भाई चलो, आखिरी में जाके इस सीजन में भाई की शॉप बन गई।
लाइक इसकी डेकोरेशन तक मैंने करी थी, तब जाके इसका बेस थोड़ा डेकोरेटेड लग रहा था और मुझे नहीं लगता था ये इस सीजन में शॉप बनाने वाला है। बट चलो फाइनली इसकी शॉप बन गई। तो इसकी कैरेट एंड गोल्डन कैरेट एंड उसकी शॉप है फिश की। एंड इसकी वो देखो, फिश को ढंग से स्मेल्ट भी नहीं कर सकते यार, रो छोड़ रखे। कुक कर लेता मेरे भाई, तो 32,000 में मांग रहा है, कुक करके डाल देता। और चल तू ये रख भी रहे तो इनमें कोल रख, इनमें कोल रख, हमें नहीं पता, हमें कुक वो चाहिए। तो यार इसकी मेरे ख्याल से फ्लोरिंग चेंज नहीं हुई, भाई को शॉप ओपन करने की जल्दी थी तो फ्लोरिंग चेंज करने भूल गया हमारा भाई। तो लाइक एक बार ये फ्लोर सजेशन देना चाहूँगा, फ्लोर चेंज कर ले। लाइक अगर तूने छोड़ दिया फ्लोर तो ऐसे काम नहीं चलेगा, फ्लोर भी चेंज कर चुपचाप। तो एक बार अपनी शॉप देखते हैं, अगर अपनी शॉप में थोड़े से भी डायमंड है तो गोल्डन कैरेट परचेज करते हैं, बिकॉज खाने की कमी है हमारे पास। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या डायमंड है। जी, लाइक कल के वीडियो में बोलने का फ़ायदा हो गया, लोगों ने हमारे डायमंड बाय कर, सॉरी वुड बाय कर लिया। तो थोड़ा सा इसमें एंड हमारी मेंबरशिप देखते, किसी ने ली कि नहीं। आई डोंट थिंक सो हमारी मेंबरशिप कोई लेगा। लाइक एक डायमंड के बदले लाइक फेयर अमाउंट है, कोई ज़्यादा लेना नहीं चाहता मे बी इस वजह से। एंड लीव तो कोई लेता ही नहीं है, तो क्या हमारी मेंबरशिप भी किसी ने नहीं ली। तो चलते हैं यहाँ से, ये मुझे ओक वुड रीस्टॉक करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ये आरजे ने खरीद रखी है सारी ओक वुड। वो कह रहा था मुझे कि तुम्हारी सारी ओक वुड मैं ही खरीदा करूँगा। मैं कह दैट्स अ नाइस थिंग। तो यह हम आ गए इसके लाइक शॉप में। इसका मेरे ख्याल से पहले ग्राहक मैं ही हूँ। डिस्कॉर्ड पे मेरे पास मैसेज आया था कि शॉप खुल गई, बट मैंने देखी नहीं थी। तो यह फाइनली इसकी शॉप खुल गई एंड दो डायमंड के बदले ये एक स्टैक गोल्डन वो देता है कैरेट। प्राइस ज़्यादा थोड़ा कम कर लो यार, मेंबरशिप भी नहीं रख रहे तुम, थोड़ा सा कम कर लो, दया खा लो गरीब में। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। बी श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम। सो बाय, सी यू टुमारो।